छोटे बच्चे के अब क्या लगे? नानी। आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। छोटे बच्चों की रैगिंग करके, नए बच्चों की रैगिंग करके। यस यस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। जान के किया, जान के तू घर से काम नहीं होता ये? अरे बेटे अभी लगा लियो ना, या काश मेरा लगा हुआ है, कपड़े पे गिर गया, सूट खराब हो जाएगा। मेरी मम्मी को तभी तो मैंने मना कराया। अभी मंदिर में रुकोगे नहीं? मम्मी भी ये करके आए हैं। अभी मंदिर में रुकोगे नहीं? इसी या तो गया मंदिर, दोनों पॉजिटिव है ना, फिर कार में बैठ के इसलिए लगा रहे हैं नेल पे। मैंने वैसे लगा दिए कार पे। तो आज हम फिर से वहीं आए हैं जहाँ एक बार हम पहले ही आए थे, शिव द्वार महाकालेश्वर मठ, जिसका हमने पहले भी व्लॉग बनाया है। आज हम फिर से वहीं आए हैं। इस बार डैडी भी आए हैं, लास्ट टाइम डैडी नहीं आए थे, इस बार डैडी को भी हम लेके आए हैं साथ में। Hey guys, what's up? तो एक सेकंड, मेरा हाथ आ रहा है। हर हर महादेव, हर महादेव। ओके, तो अभी मैं कैमरा उल्टा करता हूँ, बैठा सके ना। हर हर महादेव। आज फिर से हम यहीं पर आए, अलग ही फीलिंग है भाई। यहाँ जितनी बार आओ उतनी बार अच्छा लगता है। आज हम वैसे जिस हमने लास्ट टाइम आपको टूर कराया था वैसा तो नहीं कुछ करने वाले, बस आपको दर्शन कराएंगे एंड देन हम लोग चलेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होकर के कहाँ जा रही हूँ। दरअसल इन पहाड़ी रास्तों पर, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हम इतना तैयार होकर के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पांवटा साहिब में हमारे रहते हैं रिलेटिव्स और उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन, एक बच्चे का बर्थडे है, हम उसी में जा रहे हैं। और क्योंकि ये मेरा पहला फैमिली फंक्शन है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा तैयार होना पड़ा है। और इसी के साथ साथ हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। पीछे मम्मी पापा भी हैं और पतिदेव भी साथ में। तो अभी फैमिली फंक्शन में क्या कुछ खास होने वाला है वो भी हम आपको उम्मीद करते दिखाई देंगे कुछ। हाँ, थोड़े चांस ले लेंगे चांस थोड़े से। तो मिलते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, तो हम फैमिली फंक्शन में तो जा ही रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हम घर से चले और हमने बीच में ब्रेक मारा और हम पहुंचे पहले महाकालेश्वर मंदिर में। वही महाकालेश्वर मंदिर जहां मैं आपको भी वीडियो में, आप ऊपर आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको वो व्लॉग दिखेगा जो हमने पूरा आपको टूर कराया था। महाकालेश्वर मंदिर जो कि पूरे 5000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है और इसका जो इतिहास में इसका वर्णन है वो सिकंद पुराण में भी है। तो आपको मैं यहाँ पे, आप आई बटन देखेंगे तो वहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगा व्लॉग, और आपको वो पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इस व्लॉग में कि आपको वो व्लॉग कैसा लगा। अभी एक और हम आपको माता के दर्शन कराने वाले हैं और उसको देख करके भी मुझे लगता है कि उनके दर्शन करके भी मुझे लगता है कि आपको काफी शांति मिलेगी। और फिर एक फंक्शन में आपको लेकर के चलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ चलेंगे, है ना। बाय द वे, मैं कैसी लग रही हूँ? पेट अंदर करो, ढोल की बार आ रही है। ये मुझे हमेशा मोटो मोटो बोलते रहते हैं और हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि पेट अंदर करो। मोटो मोटो से बताता हूँ, मुझे हर्षित का टेक्स्ट आया, मैंने कल स्टोरी डाली थी ना तुम्हारी, उसमें मैंने कैप्शन में मोटो लिखा था। मुझे हर्षित कहता, मामी केड़े एंगल तो मोटी हैगी है। थैंक यू हर्षित। मैंने कहा हर्षित मामी के वकील, मैं उसे ऐसी बोलता हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। हाँ जी, मतलब एक ही पेड़ से निकले मारकंडे और ये बाता नदी, ठीक है, एक ही पेड़ के नीचे से। ये नायिका के लिए शादी के लिए आया भाई, यमुना नदी पे। अच्छा, तो जब अगर दोनों मिल गए तो परले आ जाएगी। बड़े हमारे साथ आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बता दूं, फूफा जी बहुत बड़े भक्त हैं माता के, बहुत बड़े भक्त। आपकी नजर में आम आदमी की यहाँ कितनी आ रही हिमाचल? कुछ नहीं, जीरो ना? जीरो मुझे भी लग रहा है, मुझे आम आदमी की यहाँ जीरो। उन्होंने तो क्या हाथ डाल दिया हिमाचल में। तो
और ये रहा हमारा नन्ना मेहमान जिसका है आज फर्स्ट बर्थडे। बिग शाउट आउट टू यू राज, हैप्पी बर्थडे। कीर्ति तुम ट्रेंड हो पता, यू आर रेडी। तुमने मेरी बात कितने अच्छे से इग्नोर कर दी ना, जब मैंने बोला तुम रेडी हो अभी। तो उसके लिए यू भी ने अभी नो बोला ना, ये देखो नहीं 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 शाम को बर्थडे बॉय से आपको मिलवा दिया था और अभी आ गए हैं हम लोग वेन्यू पर। आपको म्यूजिक की आवाज आ रही होगी और मेरे पीछे डेकोर दिख रहा होगा। तो बीवी कहाँ गई, बीवी पीछे रह गई यार, एक मिनट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पर और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको सारी दिखाएंगे कि क्या कुछ रहने वाली है। बर्थडे है भाई, तस्वीरें ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अभी आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको मेरी पेटू बीवी दिखाऊंगा, इसकी प्लेट दिखाऊंगा पेटू की, भर भर के खाने वाली। हमारी फैमिली में पहला फंक्शन है हमारी शादी के बाद, इसको कोई शर्म नहीं है, पेल के खा रही है दबा के। और देखो इसका डांस छूट गया, इसका डांस छूट गया, छूट गया डांस इसका। चलो चलते हैं पार्टी, लेट्स एंजॉय द पार्टी, बाय बाय। सांस अंदर, और ये आ रही है चैलेंज 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 कैसा रहा घर की सारी बड़ी दीदियां और भाभियां नाच रही है। डांस वांस हो गया हो तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर ले पहले। बर्थडे के 10 बार बुला लिया उन्होंने केक कटिंग के लिए। देखो हर चीज जरूरी है, डांस भी जरूरी है, लेकिन अब जिस काम के लिए हम आए हैं पहले वो स्टेज आपको दिखा देते हैं। ओके बर्थडे बॉय का भी हो रहा है फोटो शूट, ये देखो जरा है बर्थडे बॉय के पापा, बर्थडे बॉय की मम्मी, देख लो हाय बोल दो सारे एक बार। ठीक है हाँ जी। अच्छा मुझे भी लग रहा है, मेरा भी मन कर रहा है मैं बच्चे बन जाऊं, क्योंकि इतने। अच्छा मुझे लगा कर ले कि मेरा मन कर रहा है बच्चे पैदा कर लूं। भाई एक बार को मुझे लगा ये क्या बोलने वाली है, हाथ हो गई। उसके लिए अभी टाइम है, यू हैव टू वेट। और ये ब्लश कर रही है, चेहरा ब्लश कर रही है देखो। और ये एम्बैरस हो रही है, एम्बैरसमेंट। कड़कू कड़कू भैया ने मुझे रैगिंग के लिए बुलाया था, भैया की रैगिंग होगी। अरे पंगा ना ले लियो, कौन सी गलत फैमिली में है, मैं कौन सी गलत फैमिली में ना रही हो। परिवार
परिवार में सबसे बड़ा है। हम बोलते हैं मेरी सपोर्ट में मेरी बुआ बैठी है ना सारी बच्चों के बुजुर्ग। बुआ में कोई बात नहीं रही है कि बाबू बैठी है। सही बात। वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही कहा आपने। नहीं 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 हम तो बच्चों के बुजुर्ग कहते हैं। आ गया डैडी का फोन आ गया। डैडी का फोन आ गया पक्का। आ जाओ बाहर। आप सभी का लोनी का धन्यवाद। ये इस छोटे बच्चे के अब क्या लगे? शतपुत्रवती भाव। शतपुत्रवती भाव।